के काला हिरण शिकार प्रकरण में दोषी फिल्म अभिनेता सलमान खान बेल मिलने के करीब एक महीने बाद जोधपुर कोर्ट में सोमवार को पेश होंगे। उनके वकील सजा पर रोक लगाने की मांग करेंगे। सलमान रविवार को मुंबई से जोधपुर पहुंचे। अभिनेता सलमान खान रेगुलर फ्लाइट से रविवार दोपहर जोधपुर पहुंचे। उनके साथ बहन अलवीरा, अर्पिता, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी, मैनेजर विनोद और बॉडीगार्ड शेरा भी थे। सलमान एयरपोर्ट से सीधा होटल ताज चले गए। सलमान इन दिनों फिल्म रेस 3 की शूटिंग में बिजी है। हाल ही में कश्मीर से फिल्म के गाने की शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान मुंबई लौटे थे। गौरतलब है कि गत 5 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री ने करीब 2 दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्रियां नीलम तप्पू, सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान 7 अप्रैल तक जेल में रहे। 7 अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनवाई की। निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी।